और बोकारो जिले के जरीरी थाना क्षेत्र में पीएलएफआई नामक नक्सलियों ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई है। नक्सलियों ने हाईवे पर चल रहे कंस्ट्रक्शन के काम में लगे एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया। ये आग बीती रात को लगाई गई है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। घटनास्थल पर प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई ने एक पर्चा भी छोड़ा है। पर्चे में 5 करोड़ रुपए की मांग करते हुए कहा है कि संगठन को अनदेखा करने वालों को अंजाम भुगतना होगा। आगे कहा है कि काम नहीं करने पर दिया जाएगा। हालांकि अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। कंपनी के अधिकारियों ने भी कुछ बताने से इनकार कर दिया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी बोकारो से दिनेश जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। दिनेश, देखिए एक बार फिर नक्सलियों का आतंक देखने को मिला है और उन्होंने एक ट्रक को भी आग के हवाले किया है। क्या कुछ जानकारी है? जो कार्रवाई हुई है पीएलएफआई के द्वारा वो की गई है और 5 करोड़ रुपए की निधि जो है ठेकेदार से मांगी गई है। और बताया जा रहा है कि जो ठेकेदार इस सड़क निर्माण में जो काम कर रहे हैं वो एनजी कंस्ट्रक्शन नाम से ये कंपनी है और इसी के कंपनी के लोगों से रंगदारी की मांग की गई थी। हालांकि ये बात इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि एनजी कंस्ट्रक्शन को पहले भी उन लोगों ने या तो फोन किया हो या फिर किसी तरह के चिट्ठी पत्र भेजा हो, तो इस तरह की कुछ बातें नहीं है। लेकिन अब पुलिस इस मामले को दूसरी नजरिए से भी देख रही है कि कहीं इस घटना में शरारती तत्वों का हाथ तो नहीं है और ये कहा जा सकता है कि ऐसे हाथ हो सकता है, लेकिन पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन ये भी है कि वहां से उस जगह से घटना स्थल पर जहां पोकलेन को जलाया गया है वहां से एक पीएलएफआई उग्रवादियों की एक पर्चे भी मिले हैं जो पर्चों को पुलिस ने जब्त कर दिया और पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। और दूसरी बात यह है कि पुलिस के कोई भी वरीय अधिकारी इस मामले में अभी मीडिया कर्मियों को बयान देने से परहेज कर रहे हैं, तो ऐसा कहीं ना कहीं अनुभव हो रहा है कि नक्सलियों ने फिर एक बार अपनी धमक दिखाई है और प्रशासन इस घटना को लेकर के काफी सत्ते में है और प्रशासन इस मुद्दे पर कार्रवाई कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए।